सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं पिता। आपने उनको जीवन दिया, श्वासें दी, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को पिता ने आपने एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्य उदय किया उन पर, एक नया प्रकाश दिया, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत सुंदर से समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया है। और इस सुबह के वक्त पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग दृढ़ निश्चय और संकल्प करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे प्रसन्न आपकी प्रशंसा करते हैं। और आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे आप भी मेरी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और उसके वचन को हम डेली सुने और डेली प्रार्थना करें और डेली वचन को सुने। आज बड़े ध्यान से सुनना, इस भोर के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश देगा आपके जीवन में, एक नई रोशनी देगा, एक नई ताकत देगा, यदि अंतिम तक आज इस वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज हम जब छोटी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बातें कौन करता है। हालेलुया, आज हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं तो बड़ी गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में निश्चित है हमारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1:12 में पढ़ते हैं, यहाँ यूहन्ना ने कहा क्या है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पे यूहन्ना कहता है यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु जितने लोगों ने, संसार की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा। यहाँ पे यूहन्ना कहता है जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और विश्वास कर लिया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम संसार के नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार का बेटा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। तो परमेश्वर तो परमेश्वर का बेटा तो यीशु मसीह भी था, क्या उसने गलतियां की? नहीं। क्या उसने लड़ाई किए? नहीं। क्या उसने झगड़ा किया? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को बहुत लोगों ने मारा, बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन यीशु मसीह ने पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हम ऐसे संसार में रहते हैं, उस समय से बेहतर आज है, क्योंकि उस समय तानाशाही चलती थी, आज थोड़ा अपने मन का कर लेते हैं आप। यीशु मसीह के समय की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी परमेश्वर का बेटा था और आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया, तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया वो सब परमेश्वर की संतान हैं। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है, जिसने सच्चे दिल से माना है वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आज के घर में, आपके घर में उद्धार लाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, आपके हर एक वातावरण को परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, जिस तरीके से आप पढ़े होंगे यूहन्ना अध्याय 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई
उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये किसने कहा? यूहन्ना ने कहता है, क्योंकि यूहन्ना एक बहुत बड़ा मतलब प्रचारक था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था, लेकिन उसने भी गलतियां की थी। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर अनंत जीवन, जो परमेश्वर के राज्य में आएगा विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जिस तरीके यहाँ पे यूहन्ना भी कहता है 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र पर, पुत्र कौन था? परमेश्वर का यीशु मसीह। तो आज यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आप तो वचन पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भागो मत। क्यों भाग रहे हो? संसार के लोग भी वही काम करते हैं जो तुम कर रहे हो। आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर तो आपके दिल में है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सब मेरी मंदिर हो, यदि इसे कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। जब परमेश्वर कहता है तुम उसकी मंदिर हो, तो क्यों नहीं एक स्थान में एक जगह पर बैठ करके आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, अकेले में धन्यवाद करिए परमेश्वर का, उसकी महिमा करिए, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, भीड़ को नहीं देखता है, आपके विचारों को देखता है, वहां पे दूसरों के विचारों को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, ना कि बर्बाद करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए जो उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसके पुत्र पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वह उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्या निश्चित भावनाओं पर आधारित हो सकती है? नहीं। क्या आपका निश्चय उद्धार हो सकता है आपकी भावनाओं पर? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे शैतान हमारी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण या प्रभावित करता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान क्या करता है? आपके अंदर वो भावनाएं लाता है और पूरी तरह से उसके हाथ में नियंत्रण रहता है, नियंत्रित रहता है। इसका मतलब शैतान आपको प्रभावित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, स्वास्थ्य हो, मौसम हो, परिस्थितियां हो, वातावरण हो, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के लिए उद्धार में प्रवेश करना वास्तव में एक भावनात्मक सनसनी या रोमांचक ही हो सकता है। दूसरा, ऐसा दूसरों को कोई ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया। ये मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो होता है आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थितियों के, आपके वातावरण के, आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपकी बोली भाषा, हर तरीके से वो ऑब्जर्व करता है, वो हर तरीके से जानता है, वो हर तरीके से पहचानता है। इसीलिए आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। यदि आप शैतान के ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार होगा, निश्चित मेरा उद्धार होगा, मेरा परमेश्वर उद्धार करेगा, करेगा तो परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर की बातों को सुना? उसने क्या कहा? जो यीशु मसीह को अपना क्या मानेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, या अपना भाई मानेगा, दोस्त मानेगा, या कुछ भी मानेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी जिंदगियों को बहुत आसान करने के लिए आया है, हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए आया है। हे खुदावंद, आपके बच्चों से, आपके आपके बच्चों से प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा की साक्षी से, जैसे रोमियों की पुस्तक अध्याय 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आत्मा आप ही गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। चिल्लाना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देना देगा संसार के सामने। आपको रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपको चिल्लाना है तो परमेश्वर के सामने चिल्लाइए। आपको मांगना है संसार से नहीं, आप परमेश्वर के सामने मांगिए।
परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे दे, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बच्ची हूँ, जो भी हैं आप यीशु मसीह के नाम से वो पूरा करेगा और बीमारियां दूर करेगा आपके जीवन से, आपके घर से हर सारी समस्याएं निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। संसार के लोग क्या हैं, यदि अच्छा कर लेते हैं तो आपकी वाहवाही करते हैं, ये थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो आपको भला बुरा कह के भगा देते हैं, ये संसार का नियम है। यदि आपके पास अभी 10 रुपए ना हो और संसार के लोगों से आप मांगने जाएंगे तो कहेंगे 10 रुपए नहीं है, और यदि आपके पास 1000 रुपए हो जाएं, आपसे वो कुछ कहे, कहेगा देखिए कितना घमंड करता है, बहुत सारी बातें, अच्छा करेंगे तो बुरा उनके लिए और बुरा करेंगे तो बुरा है ही है। हालेलुया। लेकिन संसार के बातों में आपको नहीं आना है, आपको परमेश्वर के वचन पे आना है, विश्वास करना है कि खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करता है। आज आप सोचिए कि जब परमेश्वर हमको मंदिर कहता है तो हमारा परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्या परमेश्वर की संतान ठहरेंगे? यीशु मसीह भी तो परमेश्वर की संतान था, तो क्यों नहीं आज हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करें और प्रार्थना करें, अंतिम तक प्रार्थना करें, लास्ट तक प्रार्थना करें, जब तक हमारा इच्छा कहे तब तक हम प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहें खुदावंद का कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आपके हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो और धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने जो हमें वचन दिया उसके बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपकी बेटी और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपने हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन
को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत से, घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत तोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर के राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे, यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे, आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। बाप ने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई, वंदनीय हो जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई भी बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए, हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला इस मसीह के नाम से, जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज आपके जीवन से निकलने वाला इस मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के इस मसीह के नाम से दूर हो जाओ, इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल इस मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम वित्तीय प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे, वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा, यीशु मसीह के नाम से हम आगे देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार रोगाड़ू विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे इस मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।